हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिक टारगेट। और आज मैं आपके लिए लाभ और हानि प्रतिशत के दो टाइप्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। यदि ए में बी वस्तुएं खरीदकर सी में डी के भाव से बेचने पर है ना प्रतिशत लाभ या हानि। ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद ली हमने और सी रुपए में डी के भाव से बेच दें, तो क्या लाभ होगा हानि होगा प्रतिशत में, ठीक है, किस तरीके से निकालते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। दूसरा, ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब यह है कि जैसा पहला हो गया, हमने 10 रुपए में 12 वस्तुएं खरीद ली और 20 में 10 बेच दी, अलग अलग होना, यानी ए बी सी डी चारों संख्याएं अलग अलग होंगी। इससे पहली वाली वीडियो मैंने बताया था ए रुपए में बी वस्तुओं खरीदकर बी रुपए में ए वस्तुओं बेचने पर कितना लाभ या हानि परसेंट में निकालिए, ठीक है, होगा। तो ए और बी वस्तुएं, बी और ए, तब क्या थे, ये दोनों और ये दोनों सेम थे, बस उल्टा हो गया था। अब यहां है देखिए कि दोनों और ये दोनों भी अलग अलग डिफरेंट, यानी चारों संख्याएं डिफरेंट है, तो इनको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ फॉर्मूला हो जाए कि किस तरीके से निकाल सकते हैं कॉन्सेप्ट के द्वारा। देख लीजिए, ए बी जब भी ऐसे दिया हो कि ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर सी रुपए में डी के भाव से बेचा जाए, तो इस तरीके से लिख लीजिए ना, ए बी सी डी, क्लियर। फॉर्मूला बता रहा हूं मैं इसका, किस तरीके से निकाल सकते हैं दोनों टॉपिक्स का, दोनों टाइप्स का पहला फॉर्मूला बता दें, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग ट्रिक से। तो इसमें क्या करना है, जो बाहर वाली है, बाहर वाली संख्या की बाहर वाली से गुणा करनी है, अंदर वाली संख्या की अंदर वाली से गुणा करनी है, क्लियर। तो देख लीजिए परसेंटेज लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो पता लगेगा प्लस में आएगा आंसर या माइनस में आएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, B और C, B में C की मल्टीप्लाई कर दें, यानी बीच बीच वालों की गुणा कर दो आपस में, माइनस लगाइए, अब बाहर वालों की गुणा कर दीजिए आपस में बटे। अब देखो बाहर वाले गुणा मैंने नीचे दिखाई है ना, नीचे के लिए, इसका मतलब बाहर वालों की जो गुणा वो नीचे भी हर के रूप में आ जाएगी और गुणा 100, ये इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यानी बी सी माइनस ए डी कह सकते हैं सर, बी सी माइनस ए डी अपॉन ए डी इंटू 100, ये प्रतिशत में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। दूसरा तरीका ये है, अगर फॉर्मूला याद नहीं होता है, इतने सारे फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले याद करेंगे, भूल तो हम जाते ही हैं, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाना चाहिए। जितने ज़्यादा तरीके यूज करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सॉल्व भी आसानी से हो जाता, ठीक है। हमें ये समझो कि भूलने की दिक्कत भी नहीं रहती, एक भूल जाएंगे ठीक तो दूसरी तो याद रहेगी, दूसरी भूल जाएंगे तो तीसरी तो याद रहेगी, कम से कम एक दो तीन चार पांच बहुत सारी ट्रिकें जितनी हो जाएं उतनी यूज कर लेनी चाहिए। तो देख लीजिए इसको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो वस्तुएं होती हैं उन्हें पहले लिखते हैं और जो उसका कीमत होती है उसे नीचे लिखते हैं। अब देख लीजिए, ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी, ए रुपए में बी वस्तुएं, तो वस्तु हो गई बी और रुपए ए। अब इसे देख लीजिए, सी रुपए में डी वस्तुएं, तो वस्तुएं ऊपर लिख देंगे रुपए नीचे लिख देंगे, क्लियर। इससे फॉर्मूला इस तरीके से लिख के डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला भी याद नहीं करना। देखिए किस तरीके से प्रतिशत लाभ, कहने का मतलब परसेंटेज प्रॉफिट होगा या एल होगा, इसका मतलब प्रतिशत लाभ या हानि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की गुणा करेंगे, इसमें कितना आएगा बी सी, तो बी गुणा सी बी सी। अब नीचे वाली गुणा कर देंगे ए गुणा डी, माइनस लगाएंगे ए गुणा डी ए डी अपॉन, ये जो माना जाता है ये ध्यान रखना, ये एस पी माना जाता है, ये सी पी माना जाता, एस पी और सी पी का मतलब जानते हैं, एस पी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, एस पी क्या होता विक्रय मूल्य, और सी पी क्रय मूल्य, ठीक है। प्रॉफिट होता लाभ, लाभ का मतलब होता कि इसमें से इसको माइनस कर दो, एस पी माइनस सी पी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यहाँ दिखा हुआ, ठीक है। अगर हम लॉस की बात करें तो ये हो जाएगा सी पी माइनस एस पी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा, अगर तुम्हें ये तरीका याद नहीं रखना तो आप बस ये ध्यान रखो कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना, अगर आंसर प्लस में आए तो लाभ होगा, आंसर माइनस में आए तो हानि होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है।
तो ये मैंने यहाँ बता दिया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कंफ्यूज ना हो, मैं सीपी और एसपी का यूज करूंगा। सीपी जहां बोलू समझ लेना क्रय मूल्य, एसपी जहां बोलू वहां समझो कि विक्रय मूल्य। अब देख लीजिए ये सीपी, सीपी हमेशा नीचे आता तो ये हो जाएगा एडी और इंटू 100। देख लीजिए फॉर्मूला भी बन गया इस तरीके से। तो पहला टाइप का क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके तो ये हो गए। तीसरा होता एलसीएम मेथड और चौथा होता बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड, ठीक है, चार चार मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अब मैं पहले वाले का सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया, ठीक है, अब सेकंड वाले का देख लीजिए। अब देख लीजिए सेकंड वाले को किस तरीके सॉल्व, ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कि जो पहला वाला है, जो पहला वाला है उसको लिख दीजिए ए और दूसरे वाले को लिख दीजिए बाद में, दोनों के बीच माइनस लगा दिए अपॉन बी कर दिए, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिखाई दे रहा ये परसेंटेज में इसका आंसर, ये फॉर्मूला लगता। जो क्रय मूल्य वाली वस्तुएं हैं वो पहले लिखेंगे, विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं को बाद में लिखेंगे माइनस करने के लिए, ओके, और जो विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं से हर बना देंगे, ठीक है, बटे के नीचे लिख देंगे। अब करना क्या है, इसे सॉल्व कर दीजिए, प्लस में आए तो लाभ होगा, माइनस में आए तो हानि होगी। लेकिन अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या याद ही रहेंगे, हमें फॉर्मूले के ऊपर ही थोड़ी जीना है गणित में, अगर गणित गणित में विजय प्राप्त करनी है, ठीक है, तो हमें गणित के हर सवाल को सॉल्व करना अच्छे तरीके से, तो हमें एक से ज्यादा ट्रिक्स पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन को कम से कम दो तरीके से सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। तो पहला तो फॉर्मूला हो गया, अब फॉर्मूले हमेशा याद तो रहते नहीं है, मुझे मैं भी भूल जाता हूं, तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर ज्यादा विश्वास करता हूं, और जब जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता हम फॉर्मूले भी नहीं भूल पाते फिर, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस होता बहुत सारा, तो भूलने की हिम्मत ही नहीं होती फॉर्मूले की। तो पहला ये फॉर्मूला हो गया, अब इसका करना क्या, इसकी दूसरी ये बस ये फॉर्मूले ध्यान रखना, दूसरा मेथड इसका एलसीएम मेथड से करेंगे, बहुत ही आसान। तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एक वस्तु का पहला अलग से देख लो क्रय मूल्य निकाल लीजिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, समझ गए। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर, ठीक है, तो प्रश्न मैं लिख देता हूं। तो पहला प्रश्न देखिए, दस रुपए में 12 संतरे खरीदकर 20 रुपए में 16 बेचने पर प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। 10 रुपए में 12 संतरे खरीदे और 20 रुपए में 16 संतरे बेच दिए, तो इसमें लाभ होगा या हानि होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मेथड से करेंगे इसे, किससे, फर्स्ट मेथड से। 10 रुपए में 12 संतरे, 10 का मतलब होगा मैंने बताया तुम्हें ए बी सी डी, इस तरीके से लिख लो। सबसे पहले लिख दिया इसे, या तो फॉर्मूला लगा लीजिए, पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसी से बनाते हैं, चलो ठीक है, ये 10, अगली संख्या लिख दीजिए 12, फिर 20 और फिर 16। ट्रिक नंबर फर्स्ट, करना क्या है इसमें, बाहर वाली संख्या के बाहर से गुणा करेंगे, अंदर वाली संख्या के अंदर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा परसेंटेज, अभी हमें पता नहीं है लाभ निकलेगा या हानि निकलेगा, ठीक है, तो वो पता लगेगा प्लस के चिन्ह से या माइनस के चिन्ह से आंसर में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैंने बीच वाली गुणा ऊपर को दिखाया, इसका मतलब बीच वाली गुणा लिखेंगे पहले, पहला क्या हो जाएगा 12 गुणा 20, माइनस लगाएंगे बाहर वालों की गुणा कर देंगे 10 गुणा 16 बटे। अब देखो मैंने भार वाले गुणा नीचे करी है और इसमें ये ट्रिक लगती है, जो बाद में गुणा आएगी, ये वाला जो बाद में आता है सीपी होता है, और इस सीपी को नीचे लिखेंगे 10 गुणा 16 और मल्टीप्लाई इसमें 100 से करते, ये आ जाएगा आंसर। देख लीजिए कितना आ गया, 12 दो 240, 16 दो शाम के 160 और 16 दो शाम के 160 इंटू 100 है, 240 में 160 गए 60, 40 से 40 80 बटे 160 गुणा 100, 10 से 10 काट दीजिए 8 दूनी 16, कितना आ गया, ये दिख रहा है, दिख रहा 100/2 प्रतिशत, 2 का भाग कर लीजिए 50% आ गया इसमें, क्लियर। तो ट्रिक नंबर फर्स्ट से इस तरीके से करेंगे, अब ट्रिक नंबर सेकंड देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, करना क्या है, जैसे 10 रुपए में 12 संतरे,
वस्तु पहले लिखेंगे, जो वस्तु खरीदी गई है पैसे उसके जो कितने कीमत उसे नीचे लिखेंगे, ठीक है। या फिर जो लिखा हुआ 10 रुपए में 12 संतरे, तो इस तरीके से लिख दे 10 रुपए में 12 संतरे और 20 रुपए में 16 संतरे। नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऊपर को लिखना रुपए में कितना आइटम आ रहे हैं, ठीक है। यानी 10 रुपए में 12 संतरे, ध्यान देंगे 10 रुपए में 12 संतरे, 20 रुपए में 16 संतरे बेच दिए। तो ये सीपी वाला मैटर होगा ना, खरीदने वाला या बेचने वाला मैटर। अब ध्यान दीजिए, इसमें इसकी गुणा करेंगे, इसमें इसकी गुणा करेंगे। ये जो होता है एसपी माना जाता है, सीपी माना जाता है। सीपी का, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य और ये होता है क्रिया मूल्य, ठीक है। ओके, अब देखिए पहले इसमें 12 में 20 की गुणा कर दीजिए। पहले मैंने गुणा कर दिया, लिखूंगा डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ। 12 में 20 की गुणा करेंगे कितना, 20 12 2 24 240 माइनस लग। अब इसकी इसमें कर दीजिए 16 दशम 107 बटे सीपी नीचे आता, तो सीपी तो ये बैठा करना जिसकी गुणा हुई है, तो 16 दशम 160 और मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरी ट्रिक ये हो गई, आंसर वही आएगा 50%, ठीक है। सॉल्यूशन तो वही है, पहले कर दिया मैंने क्लियर। अब थर्ड मेथड देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मेथड थर्ड। तीसरा देख लीजिए, हमें क्या करना है, इनका एलसीएम, तीसरा वाला होता है एलसीएम मेथड। ओके, तो एलसीएम में क्या करना है हमें, इन चारों का एलसीएम ले लीजिए, 10 12 20 16, ठीक है। तो ले लीजिए एलसीएम, एलसीएम 2 से काटे 2 5 10 2 6 2 7 2 8 16 2 5 3 5 4, ठीक है। अब 2 से काटेंगे, इसे 4 अकेला बचा तो इसे 4 से ही काट लो, 5 3 5 4, ठीक है। अब 3 से काट लीजिए, 4 एकम 4, 3 से 5 5 1। अब 5 से काट लीजिए, 1 1 1 1, ठीक है। ये इसका एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 15 4 2 120 2 240, कितना आ गया इसका एलसीएम, 240। ये ध्यान रखना, हमें इसी से क्वेश्चन कर देंगे। ये समझो कि बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, हम बेसिक कॉन्सेप्ट करते हैं, उसमें एक का निकालेंगे, एक वस्तु का क्रिया मूल्य, एक का विक्रय मूल्य, बाद में बता दूंगा, पहले इसे देख लेते हैं। अब ये कहने का मतलब ये होगा, अब हम ये मान लेते हैं कि उसने मतलब 10 रुपए में 12 संतरे जो खरीदे थे, तो टोटल उसने 240 संतरे खरीदे, ठीक है। तो 240 को बेचेगा भी, तो इसमें क्या करना है हमें, देख ले, हमें 240 संतरों का क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना है। देख लीजिए यहां से, 10 रुपए में 12 संतरे, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 संतरे कितने रुपए में, 10 रुपए में खरीदे, तो 240 कितने में खरीदेगा, वह 240 संतरे बताओ कितने में खरीदेगा, 10 बटा 12 गुणा 240, 12 दूनी 24, 20 आ गया, 20 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 दशम 200, तो 200 रुपये में खरीद ला। तो ये क्या हो गया, सीपी, यानी क्या हो गया, क्रिय मूल्य, ठीक है, क्लियर। अब हमें निकालना विक्रय मूल्य, जब 200 इसने 240 संतरे खरीदे, 240 बेचेगा भी, अब इसका 240 संतरों का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे एसपी। तो यहां देख लीजिए, 20 रुपये में 16 बेचे, 20 रुपये में 16 संतरे बेचे, यानी 16 संतरे कितने रुपए में बेचे, 20 में उसका उल्टा कर दें, क्योंकि हमें संतरों की कीमत निकालनी है ना। देखो यहाँ लिखेंगे 20 रुपये में 16 संतरे बेचे, इसका मतलब क्या है, इसे उल्टा कर दो, 16 संतरे कितने में बेचे, 20 रुपये में, ठीक है। अब जो और 240 कितने में हो गए, 240 संतरे हो गए 20 अपॉन 16 गुणा 240, 16 कम 16 16 और 16 15 आ गया। अब 15 में 20 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 300। ये हो गया तुम्हारा एसपी, यानी क्या कहते हैं इसे, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, क्लियर। अब मैं इस एलसीएम को मिटा दे रहा हूं यहां पे। अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एलसीएम कितना आता है, यहां लिख देता हूं, एलसीएम था हमारा 240, इसलिए हमने 240 का निकाला। अब हमारे पास क्या है, क्रिय मूल्य भी है, विक्रय मूल्य भी। देखो क्रिय मूल्य 200 रुपये और विक्रय मूल्य कितना, 300 रुपये, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा है तो लाभ होगा, सीधी सी बात है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए लाभ का, यानी प्रॉफिट क्या होता, विक्रय मूल्य माइनस क्रिय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य
माइनस सीपी क्रिया मूल्य, ठीक है, हिंदी में अपना आप लिख ले रहा मेरे शॉर्ट के शॉर्ट में लिखने के लिए। अब 300 माइनस 200 विक्रय मूल्य एसपी हो गया, विक्रय मूल्य में से क्रिय मूल्य घटा दिया 200 रुपये, तो कितना आ गया 100 रुपये। क्लियर। अब लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ प्रॉफिट क्या है फॉर्मूला, लाभ लाभ कितना हमारे पास 100 बटे क्रिया मूल्य सीपी, सीपी कितना है हमारे पास, ये हमारे पास सीपी है, ठीक है, क्या है ये सीपी, और ये हमारे पास एसपी है, तो एसपी की तो जरूरत नहीं पड़ती, सीपी पे निकालते हम, तो सीपी कितना हो गया 200 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, कर दीजिए इसे, 20 से 20 काट दीजिए, कितना बचा 2, और 2 में 100 से डिवाइड, 2 × 5 = 10 = 50, तो इसका आ गया 50%, ठीक है, क्या है ये लाभ। तो समझ में आया, ए रुपये मतलब 10 रुपये में 12 संतरे खरीद कर 20 रुपये में 16 संतरे बेचने पर कितना लाभ होगा 50% लाभ, ये हो गया तीसरा टाइप, ठीक है। अब मैं चौथा टाइप बता रहा हूँ, चौथा टाइप थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, ठीक है, तीन ही टाइप बहुत है, उसमें हम एक की निकालेंगे, तो मैं यहीं पर बता देता हूँ, प्रोसेस वही करनी है, थोड़ी कैलकुलेशन उसकी हार्ड हो जाती है, क्योंकि जब हम एक का निकाल, ये इससे देख रहा है जैसे 12 संतरे, यहाँ मैं उसका टाइप 4 बता देता हूँ, देख लो फिर भी आप कर सकते हो, इसे मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, टाइप नंबर 4 देख लीजिए कैसे करना, 10 रुपये में 12 संतरे खरीदे, यानी इसका मतलब 12 संतरे कितने में 10 रुपये में, तो एक संतरा कितने का हो जाएगा 10/12 रुपये का, तो ये हो गया सीपी। दूसरा ये है कि 20 रुपये में 16 बेचने पर, कहने का मतलब 16 संतरे बेचे कितने में 20 रुपये में, तो एक कितने में बेचेगा 20/16, ये हो गया एसपी विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20/16 - 10/12, इसे सॉल्व करके लाभ निकाल लेंगे, और लाभ में जो क्रिया मूल्य है किधर गया, ये रहा 10/12 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50% ही आएगा, खुद करना इसे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन होगा खत्म, ठीक है। अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन देख लीजिए, इसे 40 संतरों का क्रिया मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी ये एसपी दे रखा, ये सीपी दे रखा, क्लियर। इसमें करना क्या है, इसे ए मान लीजिए 40 को, और इसे बी मान लीजिए, और फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, ए माइनस बी अपॉन बी गुणा 100, प्रतिशत में आ जाएगा, देख लीजिए 40 - 50/50 × 100, ये प्रतिशत में आएगा, तो कितना होगा -10/50 × 100, 50 × 100, और ये आएगा 10 × 20, माइनस के 20%। माइनस से क्या मतलब निकलता है, ये जो माइनस आया है कि हानि होगी, बताया ना कि जो चिन्ह यहाँ आता है अगर माइनस आएगा तो हानि होगी, वरना लाभ होगा ही होगा, अगर प्लस में आंसर आता है तो। तो इस तरीके से क्वेश्चन निकाल देंगे, ए माइनस बी करना है, यानी क्रिया मूल्य की जो वस्तुएं होती हैं, क्रिया मूल्य 40 संतरे, यानी 40 संतरों का क्रिया मूल्य, तो क्रिया मूल्य वाली जो वस्तुएं होती हैं, यहाँ पे वस्तु संतरा है, ठीक है, तो उनमें से विक्रय मूल्य की वस्तुओं को माइनस कर देंगे, और विक्रय मूल्य वाली वस्तुओं से डिवाइड कर देंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर, और देन आंसर आ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूला वाला मेथड है। अब फॉर्मूला याद ना रहा, अब कंफ्यूज हो जाए कि बी माइनस ए करना है या बटे ए रखना, भूल जाते हैं, इतने सारे जब हम कंपटीशन के लिए जाते हैं तो भूल जाते हैं ना, इतने सारे फॉर्मूले याद करते हैं, तो इसकी अब दूसरी ट्रिक देख लीजिए, ठीक है, बेसिक से इतना तो ध्यान रहता ही है कि इसमें क्या निकाल सकते हैं। ऐसे इन क्वेश्चनों को एलसीएम से हम सारे क्वेश्चन को कर देते हैं, एलसीएम मेथड से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो सबसे पहले हम 40 और 50 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 40 और 50 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 अलग कर लीजिए, कहने का मतलब यह है इसमें से। 4 और 5 का निकाल लीजिए, तो 4 और 5 का 4 × 5 = 20, ठीक है, 200 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एलसीएम कितना हो गया 200।
और ये तरीका नंबर है सेकंड। अब हमें क्या करना है, 200 संतरों का, 200 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालेंगे और 200 वस्तुओं का ही विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, आसान हो जाएगा इससे। देख लीजिए, चलो ये कह रहा है कि 40 संतरों का सीपी मतलब क्रय मूल्य बराबर है 50 संतरों के विक्रय मूल्य बोले तो एसपी से, क्लियर। और हमने मान लिया कि 40 संतरों का सीपी 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये मान लिया हमने एक्स, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि 40 सीपी एक्स, चलो तो फर्स्ट देख ले इसमें, अब लिख दीजिए 40 संतरों का क्रय मूल्य यानी सीपी एक्स, इसका मतलब तो ये होगा भाई ये भी इसके बराबर, ये भी तो पहले हम ले लेते हैं, इस पहले और तीसरे में रिलेशन निकाल लेते हैं कि 40 संतरों का सीपी इक्वल एक्स। तो अब हमने एलसीएम लिया 200, इसका मतलब ये है कि उसने 200 संतरे खरीदे, हम मान लेते हैं कि उसने 200 संतरे खरीदे। तो अब 40 संतरों का सीपी इतना दे रखा है तो 200 का कितना हो जाएगा, 200 संतरों का सीपी इक्वल्स एक्स अपॉन ये 40 बटे में चला जाएगा और जितने का पूछ रहा है उससे गुणा कर देंगे, तो 40 पंजे 200 कितना आ गया 5x, तो ये हो गया सीपी, क्या होगा ये सीपी। अब दूसरा रिलेशन निकालेंगे, दूसरा संबंध इसमें और इसमें एसपी, और देख लीजिए यहां है 50 संतरों का विक्रय मूल्य एसपी इक्वल टू एक्स, तो हमें यहां निकालना 200 संतरों का एसपी इक्वल टू एक्स बटे, अब इस 50 को बटे में ले जाएंगे और 200 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 200 से गुणा कर दी कितना आ गया, ये 50 चौक 200 तो ये आ गया 4x, क्लियर। क्या आया हमारे पास, ये एसपी आ गया। तो अब इसमें देखो कि एसपी कितना है 4x, सीपी कितना है 5x, क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है, यानी वस्तुएं खरीद तो ज्यादा पैसों में ली, सस्ते में बेच दी, तो हानि होगी ना कम में बेचने पर, क्रय मूल्य ज्यादा होने पर विक्रय मूल्य से हानि हो जाती है, ठीक है। तो अब मैं इसका वो निकाल देता हूं हानि, नीचे तो कितना देख लीजिए, अब हानि निकाल देते हैं। हानि का फॉर्मूला होता सीपी माइनस एसपी, तो बोले तो क्या कर देंगे 5x माइनस 4x, 5 में 4 का तो 1x बचा, 1x को x ही लिख देते हैं, क्लियर। अब क्या करना है, हानि प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, इस वाली लाइन को मिटा देता हूं, यहां देख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो हानि x आ गया अपने निकल के, एसपी सीपी हमारे पास 5x है, एसपी हमारे पास 4x है, क्रय मूल्य 5x, एसपी यानी विक्रय मूल्य 4x, तो हानि इसलिए आई क्योंकि ये छोटा था विक्रय मूल्य, एक्स आ गई। अब हानि प्रतिशत निकाल दीजिए, प्रतिशत हानि का फॉर्मूला क्या होता, हानि बटे सीपी इंटू 100, ठीक है, निकाल दीजिए इसे। हानि कितनी आई हमारे पास एक्स, और सीपी कितना 5x, ये रहा सीपी, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, एक्स से एक्स कर जाएगा, ठीक है, कितना बचा 100 बटे 5, 5 का भाग कर दो 100 में, 20% आ गया आंसर, तो 20% हानि हुई। इस तरीके से इन सवालों को निकाल सकते हैं कई कई तरीकों के माध्यम से, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप पता लग रहा कि आपने वीडियो पूरी ही देखी होगी और आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छी ट्रिक के साथ, ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।